हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सीए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो उसके विद इन 20 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आप ये वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उस केस में आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाती है, और उस केस में ये मान लिया जाता है कि आपने किसी भी तरीके की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल नहीं की है, और उस केस में जो भी नॉन फाइलिंग ऑफ ITR के प्रोविज़न है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें उसको ई वेरिफिकेशन जरूर कर लें। अब जो ये वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं ये दो मोड से कर सकते हैं, एक तो होता है फिजिकल मोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकल मोड की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ITR V फॉर्म होता है उसके अंदर आपको एक सिग्नेचर का कॉलम दिया होता है नीचे, और आपको उसके अंदर सिग्नेचर करके नीचे एक एड्रेस दिया होता है CPC बेंगलुरु करके, उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करवा देना होता है विद इन 20 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ITR। अब ये तो हुई फिजिकल मोड की बात। अब सिंपली अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जाना है तो आप घर बैठे बैठे अपने सिस्टम से ही उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप ई वेरिफिकेशन करते हैं, इसके लिए आपको गवर्नमेंट ने दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आपका मोबाइल फ़ोन जो आपके आधार कार्ड से लिंक है आप उसके साथ कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP आ जाएगा, आप उस OTP को फिल करके उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है आपका नेट बैंकिंग, आप अपनी नेट बैंकिंग से भी इसको ई वेरीफिकेशन कर सकते हैं। अब आप नेट बैंकिंग से कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं या मोबाइल फ़ोन से कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप ई वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे। तो इस केस में आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक करवा सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन किए बिना भी किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में एक बार हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो अपनी ITR है उसको वेरीफाई कर सकते हैं फिजिकल मोड से और इलेक्ट्रॉनिक मोड से। अब फर्स्ट केस में देखिए, ये मैं फिजिकल मोड की बात कर लेता हूँ। जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो आपकी कुछ इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, और इस फॉर्म को जो हम बोलते हैं ये फॉर्म ITR V होता है। इसके अंदर देखिए आपने कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, उसका फॉर्म नंबर आ गया है, ITR 1 मैंने फाइल की है, और उस किस डेट को फाइल की है ये डेट टॉप में आ गई है। तो इस तरीके से ये कुछ आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे जिसको हम फॉर्म ITR V बोलते हैं, इसमें आपको देखिए ये सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे। ये सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ सिग्नेचर करने के बाद मैंने आपको बताया था बेंगलुरु का एड्रेस दिया होगा नीचे, तो ये देखिए नीचे बेंगलुरु का एड्रेस दिया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560500 बाई ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली। मीन्स आपको मैंने बताया था कि जो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं आप या ऑर्डिनरी पोस्ट भी कर सकते हैं विद इन 20 डेज के अंदर, आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेके या इसके अंदर सिग्नेचर करके इसको इस एड्रेस पर फिजिकली सेंड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने फिजिकल जो आपको बताया था मोड वो हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मोड की। इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आपको अपने पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, और ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा, इस एक्नॉलेजमेंट नंबर की भी वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर ले आया हूँ। गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ टाइप कर लेना है ITR फाइलिंग। जैसे ही आप ITR फाइलिंग टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए आपका सबसे टॉप में ही खुल के आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। तो आपको क्या करना है, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना लॉगिन किए भी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्विक लिंक के अंदर आ जाना है, और क्विक लिंक के अंदर आपको टॉप में ही दिया हुआ है ई वेरीफाई रिटर्न। तो इस ई वेरीफाई रिटर्न पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर बिना लॉगिन किए कब कर सकते हैं, सपोज़ करें आपको अपना जो पासवर्ड है वो ध्यान नहीं रहा, तो उस केस में आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे आके डायरेक्ट इसको ई वेरीफाई कर लें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ई वेरीफाई करने के लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी कुछ डेटा की। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, आपका पैन नंबर आपके पास होना चाहिए किस असेसमेंट के लिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मैंने आपको वो रिसिप्ट दिखाई थी ITR 5 जो दिखाया था उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ था, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का हम यूज़ करेंगे, और लास्ट में मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो सबसे पहले अपना मैं जो पैन नंबर है वो फिल कर देता हूँ। पैन नंबर मैंने फिल कर दिया है। अब मैं किस असेसमेंट ईयर के लिए ई वेरीफिकेशन करवा रहा हूँ तो वो मैं असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेता हूँ।
तो देखिए इसमें जो असेसमेंट ईयर है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, करंट असेसमेंट ईयर 22-23, और अब मैं इसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो फिल कर देता हूँ। मैंने अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर भी फिल कर दिया है। अब जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए अब मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी है तो ये मेरे को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब अब मैं जैसे ही इसको कंटिन्यू करूँगा, देखिए आपको कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए अब जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो देखिए वन टाइम पासवर्ड मांग रहा है। ये वन टाइम पासवर्ड जो है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या लिंक है आपके आधार कार्ड के साथ, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। आप यहाँ पर उस OTP को जैसे ही एंटर करेंगे, ये आपके लिए आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ नीचे दे देगा, सबमिट का ऑप्शन। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई हो जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड था, जब आप अपने मोबाइल नंबर से जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है उससे ई वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो नेट बैंकिंग का होता है, वहाँ पर आपको अपनी नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। अब उस नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करने के बाद कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और वो वीडियो को देख ले तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जो दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, उससे आप कैसे अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। बट इन दोनों ही ऑप्शन में जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है वो ये आधार कार्ड और मोबाइल वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप इजीली ही अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उससे ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।